सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पेशेंट के सहयोग का उपयोग करके ट्रायल एंड एरर द्वारा नंबर निर्धारित करने का एक प्रयास है। यह एक क्लिनिकल परीक्षण है जिसका उपयोग ऑर्थोप्टिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोलॉजिस्ट द्वारा चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर निकालने के लिए किया जाता है। सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन को पूरा करने के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है: रेटिनोस्कोप, ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर, ट्रायल फ्रेम, ट्रायल लेंस बॉक्स, पिनहोल और ऑक्लूडर के साथ जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, स्नेलन चार्ट और ड्यूक्रोम लाइट्स। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि मरीज को स्नेलन चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर बैठाया है। टेस्टिंग रूम में लाइट आरामदायक स्तर पर होनी चाहिए। ट्रायल फ्रेम के नोज पीस, आईपीडी और वर्टेक्स डिस्टेंस को एडजस्ट करके आराम से पेशेंट को फिट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रॉपरली सेंटर्ड हैं। करेक्शन के बिना पेशेंट की बीसीवी दोनों आंखों में अलग अलग टेस्ट करके टेस्टिंग शुरू होती है। परंपरागत रूप से दाईं आंख का परीक्षण पहले किया जाता है। आंख के ऊपर एक ऑक्लूडर रखा जाता है जिसका परीक्षण नहीं किया जा रहा है। तब एक पिनहोल रोगी के आंख के सामने रखा जाता है और उसकी दृष्टि को फिर से परीक्षण किया जाता है। यदि पेशेंट पिनहोल के उपयोग के साथ स्नेलन चार्ट पर अधिक लाइनें पढ़ने में सक्षम है तो यह रिफ्रैक्टिव एरर की उपस्थिति को इंगित करता है। अधिकांश पेशेंट्स में रिफ्रैक्टिव एरर की उपस्थिति में पिनहोल के उपयोग से विजुअल एक्यूटी में सुधार होगा। एग्जामिनर का उद्देश्य सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के अंत तक विजुअल एक्यूटी के इस स्तर को प्राप्त करना है या बेहतर करना है। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम रेटिनोस्कोप या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से पेशेंट के ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का नंबर निकालेंगे। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है +3 के साथ +1 180 डिग्री। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की पूरी प्रक्रिया में पेशेंट को स्नेलन चार्ट पर फोकस करना होता है, जबकि क्लिनिशियन विभिन्न प्रकार के लेंस ट्रायल फ्रेम में डालता है और लेंस की पावर को पेशेंट के सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स के अनुसार उसकी विजन में सुधार के अकॉर्डिंग बदल देता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेप्स हैं: स्फेयर को रिफाइन करना, सिलेंडर एक्सिस को रिफाइन करना, सिलेंडर पावर को रिफाइन करना, ड्यूक्रोम टेस्ट करना और बाइनोक्यूलर बैलेंसिंग टेस्ट करना। सबसे पहले ट्रायल फ्रेम में ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का पावर रखें और दूसरी आंख को ऑक्लूड कर दें। पेशेंट को एक्यूटी चार्ट की सबसे निचली लाइन के अक्षरों में से एक पर फिक्स करने के लिए कहें जिस पर वह आराम से देख सकता है। पेशेंट से पूछें क्या यह क्लियर है या फिर ये क्लियर है या कोई अंतर नहीं है। यदि पेशेंट कहता है कि पहले से अच्छा है या वैसे ही है तो प्लस लेंस ट्रायल फ्रेम में ऐड करें और फिर से रिपीट करें। यदि पेशेंट कहता है कि प्लस लेंस के साथ ख़राब है तो उसे प्लस लेंस ना दें, इसके बजाय उन्हें एक -0.25 डायप्टर स्फेयर लेंस दिखाएं और उनसे पूछें क्या यह बेहतर है या सिर्फ छोटा और डार्कर है। इस माइनस लेंस को केवल थोड़ी देर के लिए ही दिखाना चाहिए। यदि वे तुरंत कहते हैं कि इससे बेहतर है तो ट्रायल फ्रेम में -0.25 डायप्टर ऐड करें और फिर से रिपीट करें। मान लें कि -0.25 डायप्टर स्फेयर को जोड़ने के बाद पेशेंट कहता है कि यह अब बेहतर है और विजन 6-9 तक हो गया है। अब हमारा फाइनल स्फेयर +3 -0.25 +3 डायप्टर स्फेयर है। दोनों लेंस निकालें और +3 स्फेयर लेंस डालें। ट्रायल फ्रेम में करंट पावर है +3 के साथ +1 180 डिग्री और करंट विजन है 6/9। सिलेंडर एक्सिस को फाइन ट्यून करने के लिए जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। JCC के साथ सिलेंडर एक्सिस की जांच करने के लिए ट्रायल फ्रेम के सिलेंडर एक्सिस के समांतर JCC हैंडल रखें और पेशेंट को 6/12 ऑप्टोटाइप के किसी भी लेटर को देखने के लिए कहें। उनसे पूछें क्या लेंस 1 या लेंस 2 के साथ लेटर अच्छा दिखता है या वैसे ही है। लेंस 2 अच्छा है। JCC के ग्रीन साइड की ओर ट्रायल फ्रेम के सिलेंडर एक्सिस को 10 डिग्री घुमाएं। JCC हैंडल को ट्रायल फ्रेम के सिलेंडर एक्सिस के समांतर रखें।
आप फिर से उनसे पूछें क्या लेटर लेंस एक या लेंस दो से साफ दिखता है या कोई फ़र्क नहीं है। लेंस एक अच्छा है, यह रिवर्सल पॉइंट है। अब JCC के हरे रंग की ओर 5 डिग्री ट्रायल फ्रेम के सिलेंडर एक्सिस को घुमाएं। JCC करने के बाद हमारा फाइनल सिलेंडर एक्सिस 5 डिग्री है। सिलेंडर एक्सिस को रिफाइन करने के बाद ट्रायल फ्रेम में करंट पावर +3 के साथ +1 5 डिग्री है। सिलेंडर पावर को रिफाइन करना, फिर से हम JCC का उपयोग करेंगे सिलेंडर की पावर को रिफाइन करने के लिए। इस बार हम ट्रायल फ्रेम के सिलेंडर एक्सिस के समांतर JCC की एक्सिस को रखेंगे। पेशेंट से पूछें लेंस पोजीशन एक बेहतर या लेंस पोजीशन दो बेहतर या दोनों समान हैं। पोजीशन दो बेहतर है। ट्रायल फ्रेम सिलेंडर में +0.25 डेप्टर सिलेंडर जोड़ें। फाइनल सिलेंडर पावर +1 +0.25 +1.25 डेप्टर सिलेंडर। अब +1 डेप्टर सिलेंडर को हटाकर +1.25 डेप्टर सिलेंडर ट्रायल फ्रेम में डालें। अब ट्रायल फ्रेम में करंट पावर है +3 के साथ +1/2 एक्सिस 5 डिग्री। इस पावर के साथ पेशेंट का विजन अब 6x6 है। यह एक मोनोओकुलर सब्जेक्टिव टेस्ट है जो अकोमोडेशन को कम करता है, जो विशेष रूप से मायोप में महत्वपूर्ण है। यदि किसी मायोप को ओवर करेक्ट किया जाता है तो वे प्रभावी रूप से हाइपरमेट्रोपिक हो जाते हैं और लंबे समय तक रहने के कारण एस्थेनोपिया का अनुभव कर सकते हैं। पेशेंट को हरे और लाल पर अक्षरों की क्लैरिटी की तुलना करने के लिए कहा जाता है। यदि हरे साइड के अक्षर क्लियर हैं तो +0.25 डेप्टर ऐड किया जाता है और यदि लाल साइड के अक्षर क्लियर हैं तो -0.25 डेप्टर स्फीयर जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि यह पेशेंट कहता है कि दोनों रंग समान रूप से क्लियर हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्फेरिकल पावर एक्यूरेट है। बाईं आँख के सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए स्टेप 1 से 4 दोहराएं। मान लीजिए कि बाईं आँख का सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन +2.75 के साथ +1 180 डिग्री है। एकोमोडेशन को बैलेंस करने के लिए यह लास्ट स्टेप है और ऐसा तब किया जाता है जब दोनों आँखों का अलग अलग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किया गया हो। यह यंग मायोप्स में विशेष रूप से उपयोगी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका नंबर ओवर करेक्टेड तो नहीं है। अब पेशेंट को सबसे निचले लाइन पर एक लेटर पर फोकस करने के लिए कहें जो वह देख सकता है, फिर बाईं आँख पर +1 डेप्टर स्फेयर और दाईं आँख पर +0.25 डेप्टर स्फेयर रखें और पूछें क्या यह बेहतर है या ख़राब है या वैसे ही है। यदि लेटर बेहतर है तो या वैसे ही है तो +0.25 डेप्टर स्फेयर ऐड करें दाईं आँख में और रिपीट करें। प्लस लेंस ना दें यदि लेटर धुंधला दिखाई दे। दाहिनी आँख में +1 और बाईं आँख में +0.25 लगा के इस प्रक्रिया को दोहराइए। यदि लेटर बेहतर है या वैसे ही है तो +0.25 ऐड करें बाईं आँख में और रिपीट करें। प्लस लेंस ना दें यदि लेटर धुंधला दिखाई दे। दर्शकों के लिए एक प्रश्न, सिलेंडर एक्सिस को रिफाइन करने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है? कृपया अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।